भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के गांव बूढ़ा फार्म में। यहां कल दिनांक 23 मई को रात्रि करीब 10 बजे ये जिस घर में मैं मौजूद हूं, यहां से गुलदार अंदर घुसकर एक कुत्ते को उठाकर ले गया। ये बताया गया कि गुलदार ये मेन गेट वाली दीवार को फांदकर अंदर घुसा था और ये जो दूसरी चार दीवारी है ये घर के उत्तर साइड की, इससे कुत्ते को लेकर टीन पर चढ़कर पीछे खेत में को छलांग लगा कर ले गया और वहाँ जाकर उसके उस कुत्ते को निवाला बना लिया अपना। ये जो सामने आपको खेत दिखाई दे रहा है, इसी खेत में ले जाकर गुलदार कुत्ते को खा गया। हाल ही में पड़ोस के दूसरे फार्म हाउस परविंदर सिंह का जो फार्म हाउस है उसके पास चारे के खेत में घुसाया था और लोगों ने उस गुलदार को वहाँ से भगा दिया था। और जिस फार्म हाउस पर मैं मौजूद हूँ इसी के पास एक पोल्ट्री फार्म है, उस पर भी आए दिन गुलदार दस्तक दे रहा है। अब मैं इनसे वार्ता करता हूँ कि क्या स्थिति रही, किस टाइम गुलदार घर में घुसा था और कुत्ते को कहाँ से ले गया। मेरा नाम सतनाम सिंह सनो गुरमेल सिंह, मैं ग्राम बूढ़ा फार्म का निवासी हूँ। रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास गुलदार ये जो आपको दीवार दिखाई गई है इस पे से कूद कर अंदर आ गया था। हमारा एक 2 माह का पिटुल नस्ल का कुत्ता था जिसे गुलदार उठाकर दीवार कूद कर ले गया। आए दिन ये गुलदार के आतंक होते रहते, लेकिन ये हमारी लाइफ में और हमारे क्षेत्र में पहली बार हुआ कि घर के आंगन में से जो कुत्ता उठा कर लेने से सभी में डर का माहौल व्याप्त हो गया है। हम जंगलात विभाग से सुबह संपर्क किया था और रेंजर साहब ललिता रेजी से बात हुई है और जी अपने वन दरोगा जी से भी बात हुई, उन्हें लिखित ज्ञापन एप्लीकेशन दे के आए हैं कि जिससे हमें जान माल का आगे को कोई नुकसान ना हो पाए और जो मानसिक व्याप्त है वो दूर करने का कष्ट करें। फिर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन के उपरांत आपके यहाँ पिंजरा और ट्रैप कैमरा लगा दिया जाएगा। अच्छा, तो अभी हाल ही में आपके पड़ोस में कहाँ कहाँ इसने दस्तक दी और पिछले दिनों यहाँ एक भेड़ भी मारी थी? हाल ही में लगभग 10-12 दिन पहले हमारे पड़ोस में चाचा जी हैं परविंदर सिंह, इनके खेत में गुलदार आ गया था जिसका सोशल मीडिया पे भगाते हुए एक वीडियो वायरल बहुत हुआ था। उस समय भी हमने जंगलात विभाग को सूचित किया था लेकिन कोई पिंजरा या ट्रैप कैमरा नहीं लगाया गया था। उनके परविंदर सिंह के फार्म हाउस पर अभी कोई पिंजरा नहीं आया। एक ही हमारे पास पतरामपुर निवासी शरीफ जी का पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पर भी आए थे, ये गुलदार हमला करता रहता, उनको भी मुर्गियों में काफी जान मान का नुकसान करता है। आपने अवगत कराया वन विभाग को कि जो है पोल्ट्री फार्म में रईस अहमद का, हाँ जी, तो उस पर आए दिन जो दस्तक दे रहा है तो बताया उनको? हाँ जी, पूरा जंगलात विभाग को अवगत करवा दिया गया है, उनकी नॉलेज में अच्छी तरह कर दिया है। पहले भी हमने काफ़ी बार सूचित किया है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पाता है विभाग, लेकिन इस बार हम कहें तो फिर रेंजर साहब ने हमें आश्वासन दिया है। देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था फार्म हाउस मालिक मालिक सतनाम सिंह पुत्र गुरमेल सिंह से, तो इन्होंने बताया कि हाल ही में कुछ दिन पहले इनके पड़ोस में परविंदर सिंह के फार्म हाउस के पास एक गुलदार तेंदुआ था, गुलदार उनके चारे के खेत में घुस गया था जिसको इन लोगों ने आसपास के लोगों ने भगा दिया था। और इन्होंने बताया कि इनके पड़ोस में ये पतरामपुर निवासी रईस अहमद का पोल्ट्री फार्म है, उस पर आए दिन ये गुलदार दस्तक दे रहा है और इन लोगों ने वन विभाग को इससे अवगत करा दिया है। और वन विभाग के जो यहाँ जसपुर दक्षिणी रेंज के रेंजर हैं श्री ललित आर्य जी, उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर इनके घर पर पिंजरा और क्या लगा दिया जाएगा, ट्रैप कैमरा जिससे गुलदार जल्दी पकड़ में आ जाए और ना कोई आगे को जान माल का नुकसान हो किसी का। तो देखिए, ये आए दिन बता रहे हैं कि यहाँ ये
गुलदार के हमले की घटनाएं हो रही है। और भेड़ किसकी मारी थी? भेड़ ये पदरामपुर निवासी है, अच्छा रामपाल अच्छा सिंह है, अच्छा तो अच्छा उनकी भेड़ चुगाते हुए दिन के टाइम ही लगभग 4:30 बजे के आसपास हमला कर दिया था। पहले एक हमला किया उसने, अपनी भेड़ बचा ली थी, दूसरे हमले पर भेड़ को मार दिया था उसने। तो आए दिन यहाँ गुलदार के स्वच्छंद रूप से आसपास के क्षेत्र में घूमने से इन लोगों में दहशत व्याप्त है, और इन्होंने यही मांग वन विभाग से की है कि गुलदारों को पकड़कर जंगल में छोड़ा जाए ताकि लोगों की दहशत कम हो सके, उनका नुकसान होने से बच सके। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।